वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। मैं नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ये लेकर आया हूँ ITI एडमिशन से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को MP की UP की अपडेट दे चुका हूँ और दिल्ली की भी अपडेट दे चुका हूँ। देखो भाई यहाँ पर जो UP की फर्स्ट काउंसिलिंग है वो आप लोगों के लिए आ चुकी है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है। MP की फर्स्ट काउंसिलिंग आ चुकी है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है। दिल्ली की फर्स्ट काउंसिलिंग आ चुकी है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है। मैंने आप लोगों को तीनों स्टेट्स की अपडेट दे दी है। तो यहाँ पर अब जो है सेकंड काउंसलिंग की अपडेट जो है आप लोगों के लिए आनी थी दिल्ली की। देखो भाई मैं अभी आपको डेट दिखा दूंगा जो इन्होंने जो है PDF दे रखा है उसके अंदर। तो 2 तारीख को यानी कल आप लोगों के लिए सीट अलॉटमेंट डाला था, बट ड्यू टू सम रीज़न जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को पेश नहीं किया या फिर अपडेट नहीं किया। लेकिन इन्होंने साइट पर मॉर्निंग में या फिर हम कह सकते हैं इवनिंग में ही 3/8/2019 आज ही की डेट में इन लोगों ने एक जो है यहाँ पर अपडेट दी है कि काउंसलिंग ग्राउंड जो होगा ना आप लोगों का वो आपका 5 अगस्त से ही शुरू होगा। अब ये मत सोचना कि एक ही दिन मिलेगा आपको काउंसलिंग ग्राउंड के लिए। अब देखो इसकी जो आपके लिए काउंसलिंग थी यानी सीट अलॉटमेंट थी सेकंड वाली वो आपके लिए कल आने की पॉसिबिलिटी है। तो हैव सम पेशेंस, जैसी अपडेट आती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैंशन कर रहे थे कि सर लिस्ट आई नहीं, मेरिट लिस्ट आई नहीं, हमें पता नहीं चल पा रहा है, आई है तो बता दो, नहीं है तो ये भी बता दो। तो भाई अभी नहीं आई है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसी आ जाएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बतानी है, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर हमें सीटों का पता नहीं चल पा रहा है कितनी सीटें बची है NCVT SCVT से और किस कॉलेज में कितनी बची है। तो एक PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या इस साइट का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जो है सीट का चार्ट देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी सीट के चार्ट पे पहले। तो ये सीट का चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर ट्रेड्स मेंशन की है, यहाँ पर इन्होंने कॉलेजेस मेंशन की है और यहाँ पर SCVT NCVT मेंशन किया और कितनी सीटें बची ये बता रखा है। तो ये आप जो सीट वैकेंट के चार्ट पर जाकर देख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ PDF पर, जो दिल्ली का PDF है। तो ये PDF आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका साफ साफ मेंशन है कि 2 अगस्त को जो है आपकी सेकेंड जो सीट अलॉटमेंट है वो पब्लिश होने वाली थी, लेकिन ये नहीं हुई। तो इन्होंने 5 तारीख को जो है यहाँ पर कॉलेज का जो शेड्यूल है, मतलब जाना आपको सीट अपनी जो है रिजर्व करवाने के लिए, वो 5 से 7 अगस्त का रखा हुआ है, यानी 5, 6 और 7 का। तो परेशान मत होइए, जैसी अपडेट आती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे भी आप लोगों के पास डिपार्टमेंट की तरफ से SMS आ जाएगा, और बाकी नहीं आया तो उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। एक चीज़ और, MP की 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपकी सेकेंड आएगी, और सॉरी UP की आपकी 5 से 10 के बीच में आएगी, और MP की जो है अभी लंबा समय लगेगी कि 15 से जो है आप यही समझे कि 15 के बाद आने की पॉसिबिलिटी है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, आप लोगों को मेरिट लिस्ट की अपडेट मिलती रहेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। कल जैसी ही दिल्ली की अपडेट आती है सेकेंड काउंसलिंग की मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। एक चीज़ और है, जो बच्चे अपना जो है फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका नंबर नहीं आया था, रीचॉइस नहीं करवा पाए, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको उसी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा जो उन्होंने जो है फॉर्म को फिल करते टाइम रीचॉइस या फिर हम कह सकते हैं सीट को चूज़ किया था, ठीक है। तो रीचॉइस जिसकी नहीं हुई परेशान मत होइए, जो सीटें आपने पहले चूज़ की थी उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और जो बच्चे अपनी सीट को रिजर्व करवाए थे लेकिन उन्हें फिर भी सेकंड में नंबर चाहिए, तो आपको जो है सेकेंड काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। और जिनका फर्स्ट में नंबर आया था डिज़ायर ट्रेड में लेकिन वो जो है किसी और ट्रेड में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो वो जो है उसी ट्रेड में एडमिशन लेकर अपना जो है संतुष्ट हो सकते हैं। धन्यवाद। बाकी साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।